सिरोही जिलाध्यक्ष ओबीसी विभाग के भवनीश बारोट ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के कार्यालय का जयपुर में उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री पोखराज पराशर ने उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें आबरोट का प्रतिनिधित्व करते हुए ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष भवनेश बारोट, ओबीसी विभाग के सदस्य अजय बंजारा, रेवदर ब्लॉक अध्यक्ष इब्राहिम, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर शेरखान आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उपस्थित परमादरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय यादव साहब, आदरणीय करण सिंह जी, हमारी बहन विधायक बगरू पुखराज जी, आदरणीय पवन गुदारा जी, महेंद्र गहलोत जी, सुमित मगासरा जी, उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, उपस्थित सभी ओबीसी विभाग के यहाँ पे पधारे हुए कार्यकारिणी के सदस्य, जिले के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और तमाम उपस्थित विभाग के आदरणीय साथियों, मैं इस मौके पे बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत देर से हम लोग जो है आदरणीय अध्यक्ष जी को और अजय यादव साहब को सुनना चाहते हैं, लेकिन इस मौके पे ये जरूर कहूँगा कि ओबीसी आज की तारीख में देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। क्यों है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से देश के हालात बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, ओबीसी के नाम पे वोटों की राजनीति करने की जो कोशिश उन्होंने की उसमें वो स्वयं ही फेल हुए हैं। और जिस प्रकार से ओबीसी का बहाना करके देश के सबसे बड़े युवा नेता की संसद की सदस्यता को रद्द करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो खुद ही रॉन्ग बॉक्स में आ गए हैं। और इस काम से आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। आम जनता ने कहा कि इस प्रकार की इस स्तर पर उतर करके जो ये राजनीति करना चाहते हैं, रंजिश की राजनीति करना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि विपक्ष के जो दल के जो लोग हैं, अभी केजरीवाल का भी आप सुनेंगे, उन्होंने भी कहा कि यार ये तो तुम डर गए जो इस स्तर पे उतरे हो। और वास्तविकता यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के समय जिस प्रकार से पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक राहुल गांधी जी निकले सड़कों पर, जनता ने जो समर्थन उन्हें दिया, कांग्रेस पार्टी को जो समर्थन मिला, उससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कदम उठाया। वो डर ही है जिस वजह से उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने जैसा निर्णय लिया है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर इन्हें। ये भले ही ओबीसी के वोट को बटोरने की कोशिश इन्होंने इस माध्यम से उन्होंने करने की कोशिश की होगी, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग ने जेपी नड्डा से माफी मांगने का एक नोटिस उन्हें दिया है, एक लीगल नोटिस जेपी नड्डा को ओबीसी वर्ग ने दिया है। और उन्होंने कहा है कि मोदी जो है वो ओबीसी वर्ग में आते ही नहीं है, उसका जवाब उनसे मांगा गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मौके पर